जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि Huawei के ऊपर एक बैन लग गया है, मतलब कि जो Huawei है वो Google के Android के साथ डायरेक्टली फोन्स को नहीं बेच सकती। मतलब कि वो जो फोन्स बेचेगी उसमें आपको Google का प्ले स्टोर, Google की एप्स का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस सब के बारे में तो आपको पता होगा, और ये भी पता होगा कि Huawei जो है वो AOSP यानी कि Android का जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होता है सिर्फ उसी को एक्सेस कर सकती है, लेकिन उसके अंदर वो Google की चीजें प्रोवाइड नहीं कर सकती। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो Huawei है ना वो अपने खुद के एक नए मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही है, जिसका जो नाम होगा वो होगा Hong Meng OS चाइना के अंदर और ओक OS ग्लोबली। एक्चुअली Huawei की बात करें तो वो इस OS पे काफी लंबे समय से काम कर रहे थे। जब Huawei ने अपना पहला एंड्रॉइड फोन निकाला था 2009 में, तब एक्चुअली उन्हें पता नहीं था कि एंड्रॉइड जो काफी ज्यादा बड़ा मार्केट हो जाएगा, और 2012 में देखा कि एंड्रॉइड कितना बड़ा मार्केट हो रहा है और एंड्रॉइड फोन कितने ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, और खुद Huawei जो फोन बेच रहा है उसमें से जो मेजोरिटी फोन है ना वो भी एंड्रॉइड बेस्ड ही है। और उस समय Huawei को लगा कि कंप्लीटली गूगल के ऊपर रिलाय करना कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो एक सही तरीका नहीं है, और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएंगे और इंटरनली उसको कोड नेम दिया आर्क OS। और जब हम बात करें आज के समय की, जब गूगल से बैन हो चुका है Huawei और दूसरी कंपनीज के साथ बिजनेस करने से, और अब वो एंड्रॉइड को यूज नहीं कर सकता, तो ये सही समय लगता है कि Huawei अपने खुद उस OS को वापस लेकर आए। और अगर हम कुछ रिसेंट न्यूज की बात करें तो जो Huawei का जो OS होने वाला ना वो एक्चुअली बेस्ड होगा सेल्फिश OS पे, यानी कि सेल्फिश OS एक मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस्ड है और ओपन सोर्स है। और अच्छी बात सेल्फिश OS की ये है कि वो ऑफिशियल एंड्रॉइड एप्स को सपोर्ट करता है, यानी कि उसके अंदर आप कोई भी एंड्रॉइड ऐप की APK इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद उस ऐप का मजा ले सकते हैं, मतलब कि आपको सिर्फ एंड्रॉइड की APK इंस्टॉल करनी है। अब देखा जाए तो उसमें से कुछ पार्ट इन्होंने एंड्रॉइड का ले लिया, लेकिन एक कंप्लीटली एंड्रॉइड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और डेवलपर्स के लिए भी चीज काफी आसान है। मतलब कि डेवलपर्स को भी एक पूरे नए प्लेटफॉर्म के लिए दोबारा से एप्स को नहीं बनाना, उन्हें बस अपनी करंट ऐप की APK को लेना है और उसे Huawei के स्टोर के ऊपर डालना है। और अच्छी बात इस चीज में है कि वो एंड्रॉइड की जिस चीज का यूज कर रहे हैं वो कम्प्लीटली ओपन सोर्स है और उस पर गूगल का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब अगर गूगल ने बैन लगा दिया तब भी Huawei अपने OS के अंदर एंड्रॉइड APK इंस्टॉल करने की फैसिलिटी दे सकता है, और ये काफी अच्छी चीज हो सकती है। इसी के साथ ही जो प्ले स्टोर है वो भी Huawei के फोन से चले जाएगा, तो इसके लिए Huawei ने अपनी Huawei ऐप गैलरी को ऑलरेडी अनाउंस कर रखा है, यानी कि वो एक ऐप स्टोर है जो कि काफी सिमिलर है एप्टॉइड ऐप स्टोर से, जो कि एक थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है जिसमें आप एंड्रॉइड एप्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो Huawei भी इसी चीज की प्लानिंग में, और वो अपने Hong Meng OS और जो ओक OS है ना उसके अंदर इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और देखा जाए तो जो Huawei का Hong Meng OS है ना उसे Xiaomi, Oppo, Vivo भी टेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि जो करंट डिवाइसेज है इन कंपनीज के, उन्होंने जब अपने फोन में Hong Meng OS को डाला और कंपेयर किया एंड्रॉइड के साथ, तो जो Hong Meng OS है ना वो गूगल के एंड्रॉइड से 60% ज्यादा फास्ट था। और ओप्पो, वीवो, Xiaomi ऐसा इसलिए कर रही ताकि वो एंड्रॉइड से हटके भी एक ऑल्टरनेटिव देखे, क्योंकि जो चीज Huawei के साथ हुई है ना आगे चल के वो इनके साथ भी हो सकती है, क्योंकि ये भी एक चाइनीज कंपनी है। तो इसलिए तीनों कंपनीज एक सेफ साइड लेके चल रही है, और प्रोबेबली ये तीनों कंपनीज है ना ये शायद Hong Meng OS के साथ या Huawei के OS के साथ एक चाइना में कोई ना कोई फोन निकाले चाइनीज मार्केट के अंदर, और ये देखे कि मार्केट में इसका रिसेप्शन क्या आता है। और अगर ये चीज पॉपुलर होती है तो हो सकता है वो एंड्रॉइड से पूरी तरीके से हटके वो Huawei के OS पर आ जाए, और इस बात में गूगल को भी काफी डर लगता है, क्योंकि अगर Huawei जितनी बड़ी कंपनी अगर अपना खुद का OS लाएगी तो देखा जाए तो गूगल के एंड्रॉइड को डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा। मतलब आज की डेट में जो मोनोपोली है मार्केट में वो गूगल की है, मतलब एंड्रॉइड फोन से बिकते हैं स्मार्टफोन के मामले में और बाकी हैं iOS के। लेकिन अगर Huawei ले आती तो दो पार्ट हो जाएंगे एंड्रॉइड के, और काफी सारे डेवलपर्स और काफी सारी फोन कंपनीज अगर Huawei के ऊपर मूव कर गई तो उससे गूगल का काफी सारा लॉस होगा, और तो यार इससे मार्केट में फ्रेगमेंटेशन भी बढ़ेगा। जो फोन आएंगे Hong Meng OS या फिर जो Huawei के OS पे उसके ऊपर अच्छे से सिक्योरिटी गूगल इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, तो मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और गूगल खुद चाहता है कि Huawei अपना खुद का OS ना बनाए और Huawei के साथ वो काम करके कोई वर्क अराउंड ढूंढने की तैयार है, ताकि वो एंड्रॉइड को एज इट इज प्रोवाइड कर सके। और यही देख के लगता है कि Huawei को 90 डेज का एक्सटेंशन मिल गया था इस बैन से, मतलब कि अब जो प्रॉपर बैन जो Huawei के ऊपर लगेगा वो लगेगा 19 अगस्त को, और उसके बाद ही पता चलेगा कि Huawei का बैन जो है वो परमानेंट है या फिर टेम्पररी है। लेकिन इतना हम जानते हैं अगर बैन रहता है तो Huawei अपना OS लाएगा, लेकिन अगर बैन हट भी जाता है ना तो मेरे को लगता है ना तब भी वो अपना Hong Meng OS वाला फोन तो लेकर आने वाला है। मतलब कि आपको 2019 के अंदर चाइना के अंदर Hong Meng OS वाला फोन मिलेगा, और ओक OS के साथ भी ग्लोबली 2019 में एक नया फोन तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। मतलब कि Huawei कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और वो अपने OS के ऊपर एक फोन तो लाना ही चाहती, ताकि वो US बेस्ड कंपनी या फिर गूगल के ऊपर कम से कम डिपेंड रहे, ताकि अगर फ्यूचर में फिर से कभी बैन लग गया तो उन्हें कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो देखते हैं कि कौन से फोन में आपको Huawei का Hong Meng OS और ओक OS देखने को मिलता है।
बाकी आप लोगों को चॉइस मिले हुआवे के ओएस में या फिर गूगल के एंड्रॉइड में, तो आप लोगों की प्रेफरेंस क्या होगी ये बात नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।